अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं एनर्जेटिक। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, से करते हैं बहुत सारी बातें। क्या हो गया एनर्जी? तबीयत ठीक नहीं। अच्छा, तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है इंडिया विल हैव 10 ट्रंप टावर। इंडिया विल हैव 10 ट्रंप टावर सून। दिस इज व्हाई डोनाल्ड ट्रंप लव इंडिया। स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। बहुत ही जल्द आप देखोगे पूरे भारत में 10 ट्रंप टावर्स बनने वाले हैं। और आपने एक बात ये भी नोट करी होगी कि अब ये कन्फर्म हो चुका है कि 2025 में डोनाल्ड ट्रंप भारत में आएंगे। ये अकेले नहीं आएंगे, अपनी फैमिली के साथ आएंगे, जो इनके पुत्र हैं। ये बहुत सारे जो ट्रंप टावर्स भारत में बन रहे हैं, कई जगह उनको इनॉग्रेट करेंगे, उनके कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करेंगे। और देखिए, ट्रंप टावर्स इतने ज़्यादा नंबर्स पे जो भारत में बन रहे हैं ना, और ऑब्वियसली इससे डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी कमाई हो रही है। ये भी एक कहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है वाई डोनाल्ड ट्रंप लव्स इंडिया। देखिए, भारत ऑब्वियसली US के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट पर्सनल लेवल पर भी आपने देखा होगा कि हमेशा डोनाल्ड ट्रंप भारत के बारे में अच्छी बातें ही करते हैं। टैरिफ के बारे में कहते हैं कि इंडिया टैरिफ ज़्यादा लगाता है, बट वो भाषा वो ऑलमोस्ट हर कंट्री के बारे में ही बोलते हैं, चाहे फ्रांस हो, कनाडा हो, चाइना के बारे में तो बहुत बोलते हैं, बट इंडिया के बारे में और इंडिया के PM के बारे में स्पेसिफिकली ट्रंप ये कहेंगे, PM मोदी एंड इंडिया आर मैग्निफिसेंट। रीज़न मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रंप को भारत की रियल एस्टेट मार्केट में कमाल का पोटेंशियल दिखता है। और इसलिए आप देख रहे हो भारत के बड़े बड़े शहरों में लगातार ट्रंप टावर्स इस तरीके से बनाए जा रहे हैं, और ये करोड़ों के दाम पर बिकते हैं, जो इंडिया में अमीर से अमीर मल्टी मिलियनेयर लोग हैं ये यहाँ पर फ्लैट्स ऑफिसेस परचेज कर रहे हैं। और ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप और इनकी फैमिली को इससे काफ़ी फायदा भी हो रहा है। अब यहाँ पे आप में से कई लोग पूछोगे, वेट, ट्रंप टावर में तो ट्रंप रहते हैं ना, तो क्या ये भारत में घर बना रहे हैं बहुत सारे, 10-12 घर? नहीं, समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आप नोट कर पाओगे, ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। नाउ अगर मैं जाऊँ न्यूयॉर्क पे, न्यूयॉर्क का जो 5th Avenue एरिया है वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा द ओरिजिनल ट्रंप टावर। इधर आप देख पाओगे बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत ही महंगी बिल्डिंग है, ये है यहाँ पे है ट्रंप टावर, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं। और आप अगर ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर लिखा नहीं हुआ ट्रंप बहुत बड़े गोल्डन वर्ड्स में, नहीं, एंट्रेंस में इन्होंने लिखा हुआ है ट्रंप टावर। ये वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा मोड़ना पड़ेगा मुझको यहाँ पर। ये इधर आप देख पाओगे बिल्डिंग के नीचे यहाँ पर ये लिखा हुआ है ट्रंप टावर। आइकॉनिक जगह है ये USA की, और यहाँ पर इतने लग्जूरियस अपार्टमेंट्स हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पत्नी है मिलानिया ट्रंप, जब इनको व्हाइट हाउस में शिफ्ट करना पड़ा, इनको व्हाइट हाउस बड़ा गरीब सा, बड़ा पुराना सा लगा, और इनकी पत्नी ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगी, ये वापस ट्रंप टावर चली गई थी। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि ट्रंप ने इस पूरी बिल्डिंग का नाम ट्रंप क्यों रखा, इवन दो ट्रंप इस पूरी बिल्डिंग को ओन नहीं करते, तो तब भी इस बिल्डिंग को ये ट्रंप टावर क्यों कहते हैं? देखो, अराउंड 1987 के आसपास ट्रंप को एक बात समझ में आ गई थी कि जो इनका सरनेम है ना ट्रंप, सुनने में बढ़िया लगता है, बहुत वजनदार सरनेम है, और इसका ये ब्रांड बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू दिए, मीडिया के सामने जितना ये आ सकते थे उतना मीडिया के सामने आने की कोशिश करी, और ट्रंप ने देखिए अपने ब्रांड का क्या क्या लॉन्च नहीं किया, ट्रंप ब्रांड की अल्कोहल, ट्रंप ब्रांड का खाना पीना, ट्रंप ब्रांड के कपड़े, दुनिया भर में जो भी बिजनेस हो सकता है ना एक ब्रांड के साथ, तो ट्रंप नाम का ब्रांड इन्होंने यूज़ कर लिया और बहुत सारे बिजनेसेस लॉन्च किए। मगर इन सब में से सबसे सक्सेसफुल बिजनेस ट्रंप का रहा है रियल एस्टेट में। ट्रंप ने एक आइडिया निकाला कि मैं काम करूंगा, अगर दुनिया में कोई भी बिल्डर है, प्राइमरली अगर मान लो US में या दुनिया में कहीं भी कोई बिल्डर है, उसको बिल्डिंग बनानी है, और वो चाहता है कि इस बिल्डिंग में जो फ्लैट्स हैं इसके दाम मुझे लगता है कि $1 million के आसपास होंगे, मुझे एडिशनल प्रॉफिट चाहिए, मुझे यहाँ पर ब्रांड वैल्यू ऐड करनी है, तो सिंपली उसकी बिल्डिंग पे लिख दिया जाएगा ट्रंप टावर, और ट्रंप लाइसेंस करेंगे अपने नाम का यूज़ उस बिल्डर को, और इमिडिएटली जो फ्लैट $1 million का था, फॉर एग्जांपल कम अमाउंट आपको बता रहा हूँ, वैसे मान लो $1 million का था, सडनली $3-5 million का भी बिकेगा। क्यों? क्योंकि अब कोई ये आम बिल्डिंग नहीं रही, ये कोई न्यू वैली सोसाइटी करके ऐसा कुछ नाम नहीं रहा इसका, अब ये बन चुका है ट्रंप टावर, और लोग ट्रंप टावर में
जो ऑफिशियली लाइसेंस्ड है फ्रॉम द ट्रम्प फैमिली, उसके लिए एडिशनल पैसा देने को तैयार हो जाएंगे। यूएसए में ये एक्सपेरिमेंट बहुत कामयाब रहा। डोनाल्ड ट्रम्प को इससे रॉयल्टी मिलती है, हर महीने पैसे कमाते हैं ये बहुत सारा, और फिर ये धीरे धीरे 2015-16 के आसपास इंटरनेशनल चले गए, और भारत में लगातार इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अपना नाम दे दिया। ट्रम्प की शर्त ये होती है कि जो बिल्डिंग बनाई जाएगी ये स्टेट ऑफ द आर्ट होगी, बहुत अच्छा मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, एक सर्टन प्राइस रेंज से कम फ्लैट्स यहाँ पर नहीं बेचे जाएंगे, और प्रॉफिट शेयरिंग यहाँ पे होगी। ट्रम्प भी प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा कमाएंगे। ट्रम्प को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं देखनी पड़ी, सिंपली अपना नाम यूज़ करने की इन्होंने अनुमति दे दी, और बैठे बैठे इनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल जाते हैं इन यूएसए। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि जो ये ट्रम्प टावर्स बनाए जाते हैं जो भारत के पुणे में, उसके अलावा गुड़गांव में, वेरियस इलाकों में, मुंबई में, नोएडा में, हैदराबाद में, जो ये ट्रम्प टावर्स बनेंगे इनकी कॉस्ट क्या होती है, फ्लैट्स कितने महंगे बिकते हैं यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे फ्लैट्स 6 करोड़ से मिनिमम स्टार्ट होते हैं, और 25 करोड़ और उससे भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर प्राइस जा सकता है। जो कंबाइंड सेल वैल्यू होती है इन रेजिडेंसीज की माना जा रहा है ये 7,500 करोड़ रुपए तक पहुँच चुकी है। तो डोनाल्ड ट्रंप को अभी तक तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि इंडिया में डिमांड है। इंडिया देखो एक काफ़ी सेफ कंट्री है, ये सब बिजनेस अगर कल को ट्रंप करना चाहे चाइना के साथ रिस्की है। जियोपॉलिटिकल टेंशन कल को हो गई तो क्या होगा, रशिया में ऑब्वियसली नहीं कर सकते, ये यूरोप में काफ़ी जगह आप कह लीजिए इतनी ब्रांड वैल्यू है नहीं ट्रम्प की। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो काफ़ी हद तक ऑब्सेस्ड है अमेरिकन ब्रांड से। हम लोग पैसा देंगे, हमें पता लग जाए ना कि एक नॉर्मल वॉलेट है 100 रुपये का है, इस पर अमेरिकन ब्रांड का स्टिकर छाप दीजिए 5,000 रुपये का बिकेगा अमेजोन पर, ये आप सबको पता है। इंडियंस आर ऑब्सेस्ड विद अमेरिकन ब्रांड्स और उनको अच्छा लगता है एसोसिएट करना। के देखिए आप इमेजिन कर सकते हैं कोई आदमी काफ़ी प्राउड फील करेगा कि उसका ऑफिस या उसका जो फ्लैट है ये ट्रम्प टावर में है, चाहे वो ट्रम्प टावर इंडिया के किसी भी शहर में हो। और हाँ, वैसे मुझको यहाँ पर ये भी ऐड करना पड़ेगा, इवन दो ट्रम्प के जो ज़्यादातर टावर्स हैं ये यूएस और इंडिया में आपको मिलेंगे, ये बाकी कंट्रीज पर ही फोकस करते हैं। कनाडा में आपको मिल जाएगा ट्रम्प टावर, उसके अलावा वेरियस और जगह पे, आई मीन फिलीपींस में ये बना रहे हैं, बट बाकी कंट्रीज है ना, चाहे टर्की हो, वहाँ पर एक या दो ट्रम्प टावर आपको मिलेंगे। इंडिया में ह्यूमंगस स्केल पर ये ट्रम्प टावर्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट में पोटेंशियल कमाल का है। भारत को अभी तो अमीर होना है, भारत में लोगों के हाथ में भी तो पैसा आना है, तो डिमांड और ज़रा बढ़ेगी। ट्रंप को पूरा विश्वास है, इनकी कंपनी को विश्वास है कि इंडिया में बस अपने ब्रांड के जो ये बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं ये बनवाते जाओ, और घर बैठ के आराम से ये न्यूयॉर्क में बहुत सारा पैसा कमाते रहेंगे, इनके जो पुत्र हैं इनको भी आराम से पेमेंट आती रहेगी। और इसलिए आप देखोगे जो इनके पुत्र हैं और डोनाल्ड ट्रंप खुद, जब ये इंडिया की बात करते हैं एज ए कंट्री, दे यूजली से कि इंडिया काफ़ी अच्छा कर रहा है। बाकी देखो, ट्रंप की थोड़ी सी आदत है स्लिप ऑफ द टंग में कभी कभी कुछ आगे बोल देते हैं। एक बार आपको याद होगा उन्होंने कह दिया था कि जी हवा बहुत ख़राब है इंडिया में, मगर वहाँ पे ना सिर्फ इंडिया, उसमें रशिया को भी लपेट दिया, चाइना को भी लपेट दिया। वहाँ पे वो एक्चुअली जस्टिफाई कर रहे थे कि यूएस में कितनी साफ हवा है। तो उस सब को आप अगर इग्नोर कर दीजिए, ओवरऑल ट्रंप लव्स इंडिया, और भारत की रियल एस्टेट में ये पैसा इस तरीके से और कमाते रहेंगे जी। जनाब, ये थे ट्रंप टावर की डिटेल। मैंने इतना तो सुना था कि ट्रम्प के बिज़नेस हैं, ट्रम्प की कारोबारी सोच है, इनकी बिज़नेस माइंड का शख्स है, लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा इनका ये जो ब्रांड है ट्रम्प नाम से, हर तरह हर चीज़ में इनका वो है, तो इसका मतलब ये है कि मतलब काफ़ी कुछ ये कर रहे हैं। मतलब मुझे सिर्फ बिज़नेस माइंड पता था, इनके बिज़नेस की इतनी चीज़ें हैं, हर चीज़ में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अच्छा, जो बात हो गई कि हाँ भाई इनके ट्रम्प टावर्स हैं, इंडिया में 10 टावर्स हैं, बन रहे हैं और कुछ और भी हैं, तो इस चीज़ से मैं अब इस वीडियो से थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो मैं ये कहूँ कि ट्रम्प हमेशा इंडिया को अच्छा, इंडिया को सेफ, इंडिया को डेवलप, इंडिया के आवाम को तरक्की कराने की पूरी कोशिश करेंगे। पूछे क्यों, भरोसा है कि उसको मालूम है कि उसको फ़ायदा भी होगा, उसको भी फ़ायदा होगा। यानी कि अगर ट्रम्प टावर की मतलब ट्रम्प टावर बनेंगे, मजीद बनेंगे, तो ट्रम्प को तो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपने, अच्छा देखिए ब्रांड की वैल्यू भी कितनी होती है कि कोई बहुत बड़ा ब्रांड है तो सिर्फ और सिर्फ, लेकिन वो ब्रांड अपनी शर्तें ज़रूर रखता है कि मेरा नाम यूज़ करोगे, मुझे ये दोगे, लेकिन मेरी मायार को गिराओगे नहीं। मटीरियल हो गया या पेमेंट हो गई या क्या किस कीमत पे वो बेचोगे, कम से कम ये कीमत होनी चाहिए, तो उसकी फिर लीगल टीम होती होगी ट्रम्प की, वो सारी दिखती होगी।
तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें अगर हैं जो मुझे नहीं पता थी ट्रंप टावर इंडिया में इतने ज़्यादा, तो 100% ट्रंप का झुकाव जो है, ट्रंप की जो रिलेशनशिप है वो इंडिया के साथ बहुत अच्छी होगी ऑटोमेटिकली। आप सोच लो कि मैं कहीं रहता हूँ, किसी गांव में मेरे बिजनेस चलते हैं, तो मैं कहूँगा ना कि वो गांव अच्छा ही रहे, वो गांव अच्छा ही चले, उस गांव के लोगों की मायारे ज़िंदगी बेहतर हो, बेहतर होगा तो मेरी वहाँ चीज़ बिकेगी ना, या मेरी चीज़ की ज़्यादा वैल्यू लगेगी। और इंडिया तो वैसे भी ऑलरेडी डेवलप है, तो अमेरिका बहुत कुछ दूसरे कंट्रीज़ के इंटरनल मामले छेड़ सकता है, जैसे अभी वो बांग्लादेश वाला मामला, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो अमेरिका का किसी कंट्री के साथ जुड़े रहना बेहतर है। और पाकिस्तान में ये सुनने में आ रहा है कि जिन्होंने ट्रंप को 19-20 कहा था, उनकी टांगें छत से लग चुकी है, वो बाकायदा टेंशन में है, वो बाकायदा कंफ्यूज है। न्यूज़ चैनलों पे इतनी डिस्कस हो रही है कि लोग ट्वीट अपने डिलीट कर रहे हैं, इमरान खान ने भी ट्रंप को पागल कहा था, ये कहा था, बोला ये वाहिद बंदा है सियासतदान जो इतने बिजनेस करता है, ये करता है, वो करता है, और अपने ही सारे रिश्तेदारों को ले आया था, और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, और ये बिलावल बोला ये इमरान खान और ये ट्रंप एक जैसे हैं, दोनों पागल हैं। अब समझो उनकी क्या हालत हो रही होगी, जिस आका से, जिस माई बाप से, जिस दादा से इन्होंने पैसे लेने उसकी बुराइयां कर बैठे, अब वो सीट पे बैठ गए, तो अब बड़ा ही चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, बहुत कश्मकश चल रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी न्यूज़ पे कि यार उसने भी ट्रंप को बुरा, क्योंकि जैसे ट्रंप नहीं था ना, तो जो था तो उसको तो बिल्कुल जाहिर सी बात है उसकी बुराई करके उसका दिल जीतना था, और उनको नहीं मालूम था कि ये टेम्प्रेरी है, क्या पता ये दोबारा भी आ जाए, उनके दिमाग में कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान पैसों के पीछे, हर चीज़ देखनी चाहिए, कभी किसी को भी बाबा ना पड़ जाए तो बताओ, ये मेरे अल्फाज नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह, ये मैंने किसी वीडियो में सुना था कि डैडी, हमारे डैडी कभी चाइना, बस ये किसी के अल्फाज है, मैं नहीं कह रहा बाप, मैं मेरे अल्फाज नहीं है, किसी ने कहा है सच में। हाँ तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कुछ तो नहीं मतलब बोल रही। ये मुझे कुछ नहीं कहिएगा यार, मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं एक 30 सेकंड की वीडियो थी, कोई एक्टर है, क्या नाम है मुझे उनका नाम याद नहीं, पुराने सीनियर एक्टर हैं और बहुत सारी उनकी मूवीज हैं, वीडियो हो रही है, तो क्या बोला बताओ ना। तो उन्होंने एक ऐसा जुमला बोला अपने कंट्री इंडिया के लिए, उनकी आँखें भर आई, उनका दिल भराया, और मतलब यूँ समझ ले कि मुझे रोना आ गया, एक 30 सेकंड के अंदर अंदर मेरा दिल भर गया। मेरी बीवी अमेरिकन नेशनलिटी है, वो कह रहे हैं मेरे बच्चे, आप लोगों ने क्लिप देखा होगा, तो मेरे बच्चे अमेरिकन नेशनलिटी है, मैं कभी भी अमेरिका की नेशनलिटी नहीं लूँगा, क्यों मैं कभी भी नहीं लूँगा, मतलब अपने कंट्री कि जो मेरी शनाख्त है, जो मेरा मुल्क है, जो मेरा वतन है, आगे से कह रहे हैं कि ये मुल्क मतलब जज्बात में आ गए, मुझे गंदी नाली में फेंक दे, मुझे ये मुल्क गटर में फेंक दे, ये मुल्क मुझे गोली मार दे मुझे, मतलब मेरा मुल्क ही है, मतलब मैं कभी भी किसी और मुल्क की नेशनलिटी में उसका नागरिक हो जाऊँ, मैं उसका कभी भी नहीं, भले यही मुल्क जैसा है जो भी है, मुझे गटर की नाली में फेंक दे मुझे कभी। यार आप उनके बात सुनते आपके रोंगटे खड़े हो जाते, जिस अंदाज से उन्होंने भूला, उसका जो दिल भराया, मैं कहता हूँ यार जितना मैं अक्सर इंडियंस की देखता हूँ अपने कंट्री से मोहब्बत, मैं वाकई देखता हूँ कि हमारे यहाँ ज़र्रा बराबर भी नहीं है, मैं अक्सर कहता हूँ कि यार कोई मुल्क गलत नहीं होता, कोई मुल्क तो मुल्क होता है ना, कंट्री तो कंट्री होता है, पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान के आवाम, पाकिस्तान के हुक्मरान अगर टेढ़े मेढ़े हैं, जो भी एक है, गाड़ी है, एक मुल्क की गाड़ी होती है, उसका ड्राइवर सही होना चाहिए, तो वो गाड़ी सही चलेगी, अब ड्राइवर सही नहीं होगा, मतलब तो मैं वाकई शर्मिंदा हो गया कि जिस तरीके से उन्होंने अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार किया कि मुझे गोली मार दी ये मुल्क, यार मुझे कबूल है, मैं अमेरिका की नेशनलिटी नहीं लूँगा कभी, बहुत बड़ी बात है। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें।